हाय फूड गुरु से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं झटपट रागी के उत्तप्पे, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने रागी का आटा लिया है, जिसे हमने 2 बड़े टेबलस्पून दही के साथ 1 घंटा पहले मिक्स करके इस तरह भिगो के रख दिया था रागी के आटे को। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 कटोरी सूजी है जिसे भी हमने आधा घंटा पहले से भिगोया था, रवा है ये हरी मिर्च है 2 बारीक कटी हुई, नमक है, जीरा पाउडर है और अदरक की पेस्ट है। इन सबको डाल के हम मिक्सिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है, इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा। अब ये बिल्कुल रेडी है। हमने क्या करना है, अभी इसे हल्का सा, हमने पैन रखा हुआ है हमारा तवा, इस पर हल्का सा ऑयल डाल देना है चारों तरफ से बिल्कुल, और इसे हमने अच्छी तरह चारों तरफ तवे के फैला देना है ऑयल को। अब हमने हमारा पहला उत्तप्पा इस पर डाल देना है पकने के लिए। आप जो साइज का चाहें बना सकते हैं, छोटा बड़ा। इसे चारों तरफ थोड़ा सा फैला दीजिए इस तरह से, और बस 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक ये इसके साइज नहीं छोड़ता है। देखिए ये एक तरफ से पीछे से पक गया, इसके साइड भी छूट गए। अब इसे आराम से पलटी मार के दूसरी तरफ भी पका लेते हैं। आइए चेक करते हैं हम दूसरी तरफ से। देखिए दूसरी तरफ से बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह हम और उत्तप्पे भी बना लेंगे। देखिए हमारे हेल्दी टेस्टी यमी रागी के उत्तप्पे बन के रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। बच्चे रोटी नहीं खाते क्योंकि थोड़ी सी वो हार्ड होती है, इस तरह से बना के उन्हें खिलाइए। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, तोड़ने में आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है। इसे हरी चटनी, दही या केचप के साथ खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ ये आप ज़रूर बना के खाइए और बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो एक और रेसिपी में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।